We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. In this video, we are going to learn about development of surfaces. Development of surfaces ka maximum use sheet metal work yani ki fabrication mein hota hai. Iske upar se hum ye jaan sakte hain ki koi bhi structure banane ke liye kitna raw material chahiye aur wo raw material ko kahan se hame cut karna hai. Wo samajhne ke liye sabse pehle hum lenge ek prism. यहाँ पर जो प्रिज्म हमने लिया है वो है स्क्वायर प्रिज्म. स्क्वायर प्रिज्म में टोटल 6 सरफेसेस होंगी, 4 फेस होंगे उसके और 2 टॉप लैंड और बॉटम लैंड होंगी. अब ये जो स्क्वायर प्रिज्म है उसको हम पूरे का पूरा ओपन कर देंगे. तो यहाँ पर सपोज इसकी एक जो साइड है वो एस जितनी है और इसकी जो लेंथ या हाइट है वो है एल. तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर हैं 4. तो वो 4 फेसेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे और टॉप लैंड और बॉटम में वो जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी. मतलब स्क्वायर प्रिज्म अगर हमें बनाना हो कोई भी सीट मेटल में से, तो वो सीट मेटल को कुछ इस तरह से अगर हम कट करते हैं तो इजीली असेंबल करके स्क्वायर प्रिज्म बना सकते हैं. हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है पिरामिड. जिस तरह से हम जानते हैं कि कोई भी प्रिज्म में उसका जो फेस होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, सिमिलरली कोई भी पिरामिड में उसका जो फेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा. जैसे यहाँ पर टोटल 4 फेसेस हैं, जैसे कि ए ओ बी, देन बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए, और ए बी सी डी इसका बेस है. तो टोटल 4 यहाँ पर फेसेस हैं जो ट्रायंगल है और इसका जो बेस है वो स्क्वायर है. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड. अब स्क्वायर पिरामिड को अगर हम ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. जैसे कि यहाँ पर बेस में ओ सी एंड डी ट्रायंगल है तो वो एज इट इज हमने रखा है. फिर इसका ओ सी बी जो फेस है वो राइट हैंड साइड हमने ओपन कर दिया है और बाकी के जो दो फेसिस है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन किए हैं और बाकी रह गया इसका बेस जो कि है ए बी सी डी. तो ए बी सी डी कुछ इस तरह से ओपन हो पाएगा. अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज सिलेंडर. जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेंडर की टॉप और बॉटम सरफेसेस सर्कुलर होती है और इसकी ये जो साइड होगी वो साइड को अगर हम डेवलप करते हैं पूरे का पूरा तो कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप में डेवलप होगी. अब इसकी लेंथ कितनी होगी तो वो भी देख लेते हैं. इसकी लेंथ जो ये बेस का सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस जितनी होगी, मतलब कि L इज इक्वल टू 2πr और यहाँ पर r जो है वो ये सिलेंडर की रेडियस है. अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ कॉन. जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन का जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा और एक आपको एपेक्स पॉइंट मिलेगा. अगर ये कॉन को हम डेवलप करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको शेप मिलेगा और वो शेप को हम बोलते हैं सेक्टर. सेक्टर का ये एंगल फाइंड करने के लिए एकदम सिंपल इक्वेशन हम यूज करते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू 360 डिग्री. यहाँ पर आर जो होगा वो कॉन के बेस की रेडियस है और एल इसकी स्लांट लेंथ है. तो इसके ऊपर से आप सेक्टर का एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं.